बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो रेसिपी मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ वह आलू की टिक्किया या आलू के कबाब। वीकेंड ईजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं आलू के कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ आधा किलो आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। इसके अलावा इसमें जाएगा एक छोटी प्याज चॉप हुई हुई, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता कोरिएंडर लीव्स, 2 टेबल स्पून मिंट लीव्स दैट्स पुदीना। इसके अलावा कुछ मसाले जाएंगे जो कि मैं आपको बीच बीच में रेसिपी के दौरान बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आलू में ये सब चीज़ें डाल देंगे, चॉप प्याज, धनिया और पुदीना की पत्ती। वन टी स्पून आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर या खटाई, 1 टी स्पून चाट मसाला पाउडर, बस में जाएगा पिंच ऑफ अजवाइन। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइज अपने हिसाब से आप रखिए, बड़ा छोटा पतला मोटा, इट्स अप टू यू। जैसा आपको कबाब बनाने शेप देते रहिए। अभी इन टिक्कियों को, आलू के कबाब को हम रख देंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम शैलो फ्राई कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, वहाँ थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून। देखिए मैंने टर्न कर दिया है, इन्हें एक तरफ से अच्छे से ये सीख गए थे, फ्राई हो चुके थे शैलो फ्राई। बस 1-2 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, देन प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए बनकर रेडी हैं आलू के कबाब, एक झटपट सी बनने वाली रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएँ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।